सर, पटौदी विधानसभा चुनाव को क्या कहना चाहेंगे, किसका विधायक चेहरा देखना चाहेंगे पटौदी के अंदर? हम कांग्रेस का देखना चाहते हैं। कांग्रेस का? हाँ। खास वजह? खास वजह ये विधायक जी बने हुए हैं, जरावता ये तो गांव में आते हैं, पार्टीबाज आदमी है जी। अगर जरावता के विषय में बातचीत करें तो उनको टिकट ना देगी उसको, बीजेपी किसी और को कैंडिडेट को टिकट दे देती है, तो क्या आप कांग्रेस में रहेंगे फिर बीजेपी के साथ? भाई हम तो कांग्रेस में रहेंगे। कांग्रेस में किसका चेहरा? परल जी का, सुधीर जी का, सुनीता जी, काफी लोग दावेदारी कर रहे हैं पटौदी की। जी देखो जी, किसको मिलती है टिकट, हम तो कांग्रेस के। बात चेहरे पे नहीं है, ओनली पार्टी पे, कांग्रेस की पे। यहाँ के प्रेजेंट विधायक की बातचीत करें तो क्या लगता है आपको कि आपके गांव के विकास कार्यों में 5 साल में उनका क्या योगदान रहा है? 5 साल में एक खोरी भी नहीं दी गांव में अब तक भी, देगा झूठा है। भाजपा के कार्यकर्ताओं का तो कहना है कि भी काफी विकास तर कुछ भी ना करो, हमारे गांव में कुछ दिया 1.5 करोड़ के लिए जी बोल गया था ठल्ली ना पाई खाते में, बोल फलाने बैंक में ये है टिकड़ा, झूठा है वो, झूठा है। किसका चेहरा देखना चाहेंगे? देखो जी, चेहरा तो हाई कमांड जो तय करेगा उसको, जिसको कमल का जो टिकट लेके आएगा उसको, उसके साथ है हम। सर बातचीत करें सिटिंग MLA की, कितने विकास कार्य आपके गांव में करवाए? अब की बार जी कुछ कोरोना काल में भी और कुछ काम कम हुए हैं जी, लेकिन ये तो हाई कमांड और आगे देख। आपके गांव के बुजुर्गों का कहना है कि हमारे यहाँ तो एक मिट्टी का बोरा जो कुम्हार गधे पे लेके आते हैं, एक बोरा तक नहीं डलवाया विधायक ने। नहीं, हमारे एक अभी ये है जो वाटिका है हमारे कॉम्युनिटी सेंटर, उसको 72 लाख पास करे हैं। देखो वो पास किए आए नहीं है ना? नहीं आए नहीं है अभी, लेकिन 5 साल के अंदर एक ही कार्य किया है, 72 लाख रुपए वाटिका के पास किए है। हाँ जी, तो अब की बार अगर बीजेपी दोबारा से विधायक को, प्रेजेंट सिटिंग विधायक को ही टिकट देती है कि जरावता जी को ही टिकट दी जाए दोबारा इस क्षेत्र के लिए, तो क्या वोट करवाएंगे आप अपने गाँव से? देखो जी, मैं तो पहले कह चुका हूँ, जो हाई कमांड जिसको टिकट देगा गांव लगभग उसके साथ रहेगा, बाकी और जनता है देखते पार्टी। ऐसा है देखो, हम तो पार्टी के साथ हैं बीजेपी के, विधायक से कोई भी आओ और गवर्नमेंट जिसको टिकट देगी भाई वो आएगा इसमें जी। ठीक है भाई, जरावता को दो, बिमला को दो, किसी को भी दो। हम सर विकास की तरफ पर पोलिंग नहीं करोगे, सिर्फ पार्टी के नाम पे करोगे? हम तो पार्टी के नाम पे करेंगे, वैसे विकास में कुछ कमी रह गई, अब के कमी मतलब विकास से सही नहीं हुई। आपके गांव के लोगों का कहना है कि एक कील तक विधायक की तरफ से नहीं है। हाँ, अब के मतलब विधायक ने कुछ गौर नहीं करी जी एरिया के लिए, ना गांव में आया, बल्कि इससे बढ़िया बिमला थी भाई, हर एक के दुख सुख में शरीक होया करती वो, पता चलने के बाद में आया करती, लेकिन ये जरावता नहीं किसी का दुख मारा, नहीं सुख मारा। सर नहीं कहते हुए कह रहे हो कि चेहरा बदलना चाहेंगे? अब देखो, अगर पार्टी जरावता को देती भाई, हम तो पार्टी के साथ हैं, तो हमने तो वोट पार्टी से देनी है जी। सही है, बाकी विकास से कोई मतलब नहीं है भाई। विकास तो ऐसा है, अगर पार्टी चाहो तो विकास गांव में खूब हुए जी। अगर आप तो कार्यकर्ता है बीजेपी के, हाँ, और कार्यकर्ता होने के बावजूद भी कार्य नहीं गाँव में, तो कैसे कार्य भाई? कई बार कंप्लेंट भी कर ली, हमारा सरपंच भी जा लिया, ना तो कोई ग्रांट मिला अभी तक हमारे गांव ने जी। 2 साल तो पंचायत के इलेक्शनों ने होते आए, लेकिन हमारे गांव में अब तक कुछ नहीं हुआ जी। ये क्या हुआ, नाली वाली हो गई तो इनसे ये कोई विकास में नहीं आती, कोई मोटा काम नहीं हुआ। ये कह देता है भाई MLA ग्रांट नहीं दे रहा, पार्षद ग्रांट नहीं दे रहा जी। बात तो ये भी है ना, तो ऐसा है जी, कोई भी आओ आगे तो गाँव का विकास के लिए करना चाहिए।